तो और भाई लोग क्या हाल चाल है यार, वेलकम बैक टू नो नो गुरुजी। तो यार अभी आज 6 तारीख का जिस दिन मैं ये वॉइस ओवर वीडियो बना रहा हूँ, अपलोड होते होते शायद 7 बजे, मुझे कोई आइडिया नहीं। ओके, तो अभी हमारा एक न्यू अपडेट आने वाला है 0.80.0 मिरामार अपडेट, जिसका नाम है मैड मिरामार। ओके, तो सबसे पहले तो हमें एक न्यू लॉबी मिलेगी, मतलब न्यू जो वेटिंग एरिया अलग होता है ये लॉबी। ओके, तो भाई मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी है। देखो मिरामार बहुत कम लोग खेलते हैं ना, तो इसी वजह से पबजी वाले ना कुछ जुगाड़ वुगाड़ फिट किया है और हमें कुछ अपडेट्स मिला है। तो उनमें से सबसे पहले हमें मिलती है गोल्डन मिराडो। ओके, तो गोल्डन मिराडो मतलब आपने देखो कि मिराडो पतली सी लंबी सी गाड़ी होती है जिसमें टॉप ओपन होता है, कभी नहीं भी होता। ओके, तो उसका गोल्डन वर्जन है, नहीं कोई स्किन नहीं है, ये पर्टिकुलर एक प्रॉपर गाड़ी है जो हमें मिलने वाली है मिरामार मैप के अंदर। मतलब भाई काफ़ी ओपी चीज़ लग रही है, मेरे को सही कहूँ मैं। ओके, है ना। और फिर आगे हम अगर अपने अगले अपडेट की बात करें ना, तो फिर हमें मिल जाता है एक रेसिंग ट्रैक। भाई मतलब मैं मजाक नहीं कर रहा, जिन लोगों ने GTA वगैरह जैसे गेम्स खेले होंगे जिनमें स्टंट करने पड़ते हैं वो समझेंगे भाई ये कितना अच्छा लगता है। मतलब अंदर से फीलिंग आती है भाई स्टंट मारने में, वो भाई अलग ही लेवल की होती है। तो यार अब ये मिरामार के अंदर आ गया, तो भाई मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। आप लोग ज़रूर कमेंट करना कि आपको इस बारे में क्या लगता है। ओके, और भाई अगर हम अपने अगले अपडेट की बात करते हैं ना, तो यार वो हमारा ये देख लो, खुद ही देख लो सैंड स्टॉर्म है। ओके, तो वो सैंड स्टॉर्म क्या, तो देखो जैसे हमारे आर्कटिक मोड में ब्लिज़र्ड आया था, तो ऐसे करके अभी देखो मेरा हमारे डेजर्ट एरिया। ओके, और डेजर्ट एरिया में सैंड स्टॉर्म ना ऐसा कैसे हो सकता है ना, डेजर्ट सिटी में सैंड स्टॉर्म आया तो ऑब्वियसली बात है। तो इसलिए जला ने ये चीज़ भी ऐड की है। तो आप लोग बताओ कैसा लगा सैंड स्टॉर्म, मुझे कहते तो ये जो क्लाइमेट भी चेंज हुआ ना बहुत अच्छा लगा, एकदम मज़ा आ गया सही कहो तो। और फिर अगला था रुइंस है, रुइंस ऐड कर दिया गया जैसे हमारे इलाके में था वैसे ही मिलता रहता है काफ़ी। और एक ओएसएस भी ऐड किया, ओएसएस जो कहते हैं पता नहीं, लेकिन ये देखो मैं रुइंस की 3 और इमेजेस मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ। तो हाँ यार रुइंस तो काफ़ी अच्छा लगा सही कहूँ तो। फिर जब मैं बता था अपना अगला ओएसएस भी आया हमारा, अब तो ओएसएस क्या होता है पानी का एक एरिया है, सबसे अच्छा अट्रैक्शन है क्योंकि मेरे वहाँ पानी बहुत कम था, मतलब सिर्फ एक साउथ में था और यहाँ नॉर्थ में कहीं में भी इन्होंने दे दिया था। तो ये अच्छे इन्होंने काम किया है, काफ़ी वेलकमिंग सी चीज़ लगी। और फिर हमें एक वेंडे वो ये इमेज होती है एक्चुअली, अब ये वेंडिंग मशीन भी हमको मिलेगी। मतलब अब अगर वेंडिंग मशीन क्या होती है तो उससे पहले बताऊँगा, पहले ओएसएस की क्लियर इमेज देख लो। ओके, आपको यहाँ टॉप नॉर्थ में कहीं पर आपको दिखेगा। तो अभी क्या करते हैं उसमें वेंडिंग मशीन पे, वेंडिंग मशीन वो चीज़ होती है तब पैसे डालो और फिर खाने पीने की चीज़ पर जो इसके अंदर होता है वो हमें मिल जाता है। तो ऐसे हमें पबजी के अंदर भी वेंडिंग मशीन मिलने वाली है। हाँ यार अगर आप बहुत लकी हुए तो वो आपको 8 एनर्जी ड्रिंक एक बार मिलेगी, नहीं तो सिंपल 1-2 पेन किलर्स और एनर्जी ड्रिंक्स ही निकालेगी। ओके, और यार फिर हमारे एक ऐसा अपडेट आता है जिसका हमें बहुत टाइम से मिलता था, मतलब लोग काफ़ी वीडियोज़ बना भी रहे थे उस पर। तो यार वो अपडेट है हमारे कैंडिडेट साइड। वो कैंडिडेट साइड क्या होता है, जो लगता है जैसे आप स्कोप लगाते हो ना तो आप 1 घंटे 1 ही स्कोप लगा सकते हो, लेकिन कैंडिडेट साइड की हेल्प से आप लोग एक बार में 2 स्कोप लगा सकते हो। ऐसा करो डुअल स्कोप एक ऑब्जेक्ट मिलने वाला है आपको, एक साइड में आपका जो मेन स्कोप होगा वो और दूसरा उसका मतलब एक अलग स्कोप होगा। उसका सिस्टम क्या है वो तो अन्य तरह से लगा, लेकिन जहाँ तक मुझे लग रहा है इसमें ऐसा होगा कि एक साइड में आप लोग आप 2x लगा रखा तो दूसरा आपका रेड डॉट उसका डिफॉल्ट होगा। रेड डॉट डिफॉल्ट ऐसा हो सकता है, कैंडिडेट हमें प्रॉपर नहीं पता। ओके, और अब हम आ जाते हैं अपनी गन पे, यानी कि Win 94 पे हम आते हैं। तो Win 94 भी अपग्रेड कर दी गई है, उसका 2.7x यानी अराउंड 3x का स्कोप उसमें फिट हो जाता है। और यार अगर गन की बात हो रही है तो फिर अपनी अगली गन की बात करना जिसका नाम है P90। तो वैसे फ्री फायर में भी थी लेकिन अभी हम कंपेरिजन करने नहीं आए हैं, लेकिन तो फ्री फायर में मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी। और अभी पबजी देखते हैं इसका क्या हाल रहता है, वैसे देखने तो गन बहुत अच्छी लग रही है, इसमें 50 की मतलब 50 गोलियाँ भर जाती हैं। तो इसका मतलब थॉमसन विद एक्सटेंड में की ज़रूरत है, मतलब भाई फिर हम इसको यूज़ कर सकते हैं यार। और इसका एमओ का भी कोई ऐसा पता नहीं है। अब यार ये हमारा काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे लगा कि इसमें अभी हमारा जो प्रैक्टिस मोड है वो काफ़ी बोरिंग सा हो गया यार, मतलब गन सटा सिर्फ टारगेट को शूट करो नहीं तो गाड़ियाँ फोड़ो, मतलब मैं तो बस यही सब कहता हूँ और कुछ मेरा डिस्काउंट होता है ये फिर बल से दूसरे को उछाल लो या खुद उछ लो। तो यार अभी चेयर पार्क से अपडेट कर दिया गया और इसमें होते हैं फ्रेंड्स को भी वेट कर सकते हैं, आपको ज़रा राइट सॉरी लेफ्ट में ऑप्शन दिख रहा होगा उसका। और भाई सिर्फ इन्वाइट ही, हम उनके साथ बैठ के चिल आउट भी कर सकते हैं, नहीं हैंग आउट जो कहना कह लो, मतलब हम उनके साथ फुल मज़े रह सकते हैं, ये बहुत अच्छी बात है।
और ऐसे सिर्फ इतना ही नहीं कि हम मतलब सिर्फ उसमें क्लैरिटी कर सकते हैं, साथ ही साथ हम चाहे तो एनिवर्सरी मोड में जो गेम्स आते थे वो एक गेम था इसमें से हमें चिकन से खेलते थे, उन चिकन को हमें शूट करना था, तो वो गेम भी इसमें ऐड कर दिया गया। और कई सारी चीज़ न्यू चीज़ें ऐड की हैं, जो थीम पार्क भी काफ़ी ओ भी बन चुका है, बहुत अच्छा। और भाई यार अभी तो बहुत सारी चीज़ें बाकी है डिस्कवर करने को, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो ना तो लाइक करो, और अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ यार कैसा लगा वीडियो, मैं भी तो जानू यार। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।